जनवरी। सफलताकारक कैसा सुना जाती है? महीने का नाम कितने होते हैं? 12। सुनाओ। जनवरी, फरवरी, जुम्मा, हफ्ता, एतवार, खत्म। हाँ तो भैया ना सबके वेलकम है, हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि घर वालों से गुस्से से बात किया करो, घर वाले तुम्हारी शादी करवा देंगे। भाई मैंने एक हफ्ता घर वालों पर हर बात पे गुस्सा किया ये सोचकर कि शायद मेरे दोस्त की बात सच हो जाए, लेकिन घर वालों ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। भाई अभी बाहर गली में खड़ा हूँ, बस उसी दोस्त के घर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक टाइट वाला मशवरा उसे भी दूँ। प्रोग्राम तो बढ़ गया। और वैसे यार हाथ पे रख के हाथ वो बड़े प्यार से बोली, हाथ पे रख के हाथ वो बड़े प्यार से बोली, यसु पंजू हार कबूतर डोली। तो बहरहाल दोस्तों मोस्ट फनी वीडियोस ऑन इंटरनेट की सीरीज के पार्ट 87 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर कुछ ऐसी मजाई वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नहीं है ना बेटा, बीवी नहीं है, किसके लिए लूं? अभी शादी करने के बाद लूंगा। सही है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, आप सबने इसे एंड तक देखना है और लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग देखें कि इन मौलवी साहब ने शायद जिंदगी में पहली बार कोई महंगी गाड़ी खरीद ली है, तो जरा आप लोग इनकी हरकतें चेक करें। और दोस्तों आप लोगों ने ये वाली मीम तो देखी होगी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो वही जरा आप लोग इस वीडियो में देखें कि ये बंदा इस लड़की के साथ कुछ ऐसे ही सीन करता है। यार जेबी समुंदर कितना सोना है ना, तो डूब के मर जा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। और इस जगह पर लोगों को नमस्ते कहने के चक्कर में इन आंटी का हैंड बैग तो इन्हें बगैर नमस्ते कहे ही जाने के चक्कर में था। आंटी नमस्ते। ये आंटी तो चले अपने हैंडबैग को बचा लेती है ना, लेकिन अब जरा आप लोग इस वीडियो में देखें कि ये लड़की अपने मोबाइल को नहीं बचा पाती। आरजू 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 फोन चला गया नीचे। सबर करो, फोन चला गया नीचे। वैसे मैं इन पीछे खड़े हुए भाई साहब से ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसे फोन चला गया नीचे नहीं कहते हैं, बल्कि इसे कहते हैं कि फोन तो उड़ गया। और इस टीचर की हाइट जरूरत से कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो जरा आप लोग इस वीडियो में देखें कि इसे अपने स्टूडेंट्स को डांटने के लिए क्या तरीका आजमाना पड़ता है। और आप लोगों ने ज्यादातर चाइना में इस्तेमाल होने वाली ये चॉपस्टिक्स वगैरह तो देखी होंगी, लेकिन जरा आप लोग देखिए कि इन स्टिक्स पर शायद गलती से डोरेमोन की बिग लाइट असर कर गई है। वैसे मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि यार इन स्टिक्स वगैरह की भी क्या जरूरत थी, बांसों से काम चला लेते हैं। और वैसे यार ये लड़का जो सीन करता है ना, इसके लिए डिस्ट्रॉय इन सेकंड वाला लव्स भी कम है। जाली मुल्ला बन के बैठा हुआ, टोपी लगा के टोपी बदनाम कर रहा है। यार यार मैं टोपी उतार दे तो घर में कोई कवारी बेटी है दे देना। वैसे यार डिस्ट्रॉय इन सेकंड इस जगह पर बिल्कुल फिक्स बैठता है। जरा आप लोग इस लड़की के पापा की बात सुने। और ये लड़का या तो शादी में आते हुए बाल बनाना भूल जाता है, या फिर ये आज मुफ्ते में खाना खाने आया है। भाई जरा आप लोग इसकी हरकतें चेक करें। कौन है ये लोग? और अब आप सबको ये बंदा बताएगा कि आखिर बीवी को किस तरह से खुश रखा जाता है। आपको पता है बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? तो दोस्तों पहले तो जरा आप लोग इस बंदे को ये कारपेट बिछाता हुआ देखें। तो भाई ये मैडम जी भी इस बंदे की कॉपी करने की सोचती हैं, लेकिन जरा आप लोग देखें कि इनके साथ क्या सीन हो जाता है। खत्म। और गेम जीतने के लिए इस बंदे के पास इतनी आसान शॉट आई थी, लेकिन गेम खेलने के चक्कर में इस भाई साहब के साथ तो किस्मत खेल के चली जाती है।
और इस वीडियो में जरा आप लोग देखिए कि ये प्रैंक करना इस बंदे को कैसे भारी पड़ता है। शुभ लाहवा लाहवा शुभ मजा आया। और इंटरव्यू के दौरान ये भाई सब जो लड़कों का फेमस झूठ बताते हैं ना भाई, यकीन करो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरी ही बात हो रही है। लड़कों के दो फेमस झूठ बात पे बोल देते हैं आते जाते। सबसे बड़ा जो झूठ है ना, दो मिनट रुकते में आया। और वही इन मैडम जी को अभी पता चला है कि प्रेमिका से पत्नी बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। जरा आप लोग इनकी बात सुने। फ्रेंड्स, मुझे आज समझ आया है कि प्रेमिका से पत्नी बनना कितना मुश्किल है। साला मैं झुमके खरीदती थी, आज मैं वॉशरूम के लिए बाल्टियां खरीद रही हूँ यहाँ से। और दोस्तों अब जरा आप लोग ये वीडियो भी देखे हैं, भाई इन आंटी की आज किस्मत खराब थी या फिर चप्पलें, फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। और यहाँ पर हुकूमत खर्चा करती है इस इलाके की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, लेकिन जरा आप लोग इन आंटी को देखें जो कि इस फाउंटेन पर कपड़े धो रही हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और दोस्तों अब जरा आप लोग इस बंदे की बात सुने, भाई इसकी बात से मैं 110% एग्री करता हूँ। आप में से भी जो लोग इसकी बात से एग्री करते हैं वो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। पहला बंदा सुता होना करेले थाली पूछने सुता तो नहीं है। करेक्ट। और दोस्तों ये वीडियो में आप लोगों पर छोड़ता हूँ, भाई आपने मुझे कमेंट सेक्शन में फनी जवाब देने हैं कि आखिर इस बंदे ने इतने बड़े जेब क्यों बनवाए हैं। और आप लोगों ने आज तक सिंगर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस तो देखी होगी, लेकिन अब जरा आप लोग इस बंदे की ये दांत तोड़ परफॉर्मेंस भी चेक करें। और वही इस वीडियो में जरा आप लोग इस लड़के का ये दुखी शेर भी सुने। आज कुछ दुखी शायरी सुनाऊं। दुनिया के सारे दुख एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। और खाना वगैरह खाने के बाद ये बाबा जी सोचते हैं कि हाथ धोने के लिए वॉशरूम जाने की जहमत कौन करे, तो जरा आप लोग इनके काम चेक करें। और वैसे यार मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये कौन सा डांस है, लेकिन जो भी डांस हो भाई साहब ने परफॉर्म बड़ा ही बेहतरीन किया है। Let them know, let them, hey, cha, super mother, super, super mother. और ये भाई साहब खाने की मदद से आज अपने फोन के कैमरे को धोने के चक्कर में है। जरा आप लोग ये वीडियो देखें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके।